हेलो गाइस, वेलकम टू आवर चैनल मिस्टिक हिंदी टैरो। आप यहाँ पे कुछ ब्रेसलेट्स देख पा रहे होंगे, तो आपको अगर इनमें से कोई भी ब्रेसलेट लेना है या ये एविल आई का जो बैंड है वो लेना है, तो आप नीचे डिस्क्रिप्शन में मैंने लिंक्स प्रोवाइड कर दिए हैं। आप इंटरेस्टेड हो तो आप ले सकते हो। मैंने और एक लिया है फॉर माई हस्बैंड, वेट आई विल शो यू, सॉरी। ओके, तो ये हैं, ये मैंने मेरे हस्बैंड के लिए लिया है। उनको ये सारी थोड़े गर्ली लग रहे थे इसलिए मैंने उनके लिए ये मंगाया। ये बहुत ही ब्यूटीफुल है। यहाँ पे 7 चक्रास के स्टोन्स है और बहुत ब्यूटीफुल। यहाँ पे हमजा हैंड है, एविल आई है, तो बहुत ब्यूटीफुल था, मुझे बहुत पसंद आया उनके लिए, तो मैंने ये ले लिया। एंड यस, अगर आप इनमें से कोई भी लेना चाहते हो मैं आपको नज़दीक से दिखा देती हूँ। ये पैर में मिला था, ये एक पैर है और ये एक पैर है। ओके, और ये मैंने अलग से लिया था। ऐसे मैंने और 2-3 मंगाए हैं मैंने, बट अभी तक वो आए नहीं हैं, तो वो आएंगे तो मैं आपको वो भी दिखा दूँगी। और ये एविल आईज़ वाले मैंने अलग से लिए थे। ये एक पैक में आते हैं, 3 आते हैं। आप घर में किसी को, अपने भाई बहन सिस्टर फादर मदर सबको दे सकते हो, एक एक 3 है। ओके, 3 आते हैं एक पैक में, तो जो कलर आपको अच्छा लगता है वो रख सकते हो और बाकी अपने पेरेंट्स को दे सकते हो। तो ये अगर आप इंटरेस्टेड हो इनमें से कुछ भी बाय करने के लिए तो नीचे लिंक मिल जाएगी, आप जाके चेकआउट कर सकते हो। तो अब इसको कर देते हैं साइड में। ओके, एंड शुरू करते हैं हमारी रीडिंग से। देखते हैं कि आपके पर्सन करंटली, और ये हाँ, ये सारे साइंस के लिए होगा, एरीज से लेके पाइसिस तक, ऑल 12 साइंस के लिए ये रीडिंग है। करंटली आपके पर्सन क्या सोच रहे हैं, उनके करंट फीलिंग्स पे फोकस करेंगे। ओके, तो शुरुआत करते हैं एरीज से। देखते हैं कि मेष राशि यानी कि एरीज के लव लाइफ में क्या कुछ होने वाला है, क्या कुछ चेंजेस वो एक्सपेक्ट कर सकते हैं, उनके पार्टनर ओवरऑल क्या सोच रहे हैं। क्विक क्विक अपडेट होगा ये, क्विकली मैं बताऊंगी कि क्या सोच रहे हैं आपके पार्टनर करंटली। एरीज 3 कार्ड स्प्रेड करूंगी मैं। ओके, फॉर एरीज व्हाट द पार्टनर इज करेंटली फीलिंग। ओके, तो हमें कार्ड मिल गए हैं, सॉरी एक कार्ड एक्स्ट्रा, ठीक है। द हाई प्रीस्टेस, 4 ऑफ स्वर्ड्स, जस्टिस एंड है 10 ऑफ पेंटिकल्स। तो जहाँ तक कि मैं देख पा रही हूँ एरीज, करंटली आपके पार्टनर के दिमाग में काफ़ी चीज़ें चल रही है, किसी चीज़ को लेकर टेंस्ड है, किसी चीज़ को लेकर यू नो इतना कॉन्फिडेंट नहीं महसूस कर रहे हैं, दिमाग में काफ़ी सारी चीज़ें चल रही है। हो सकता है आपने पास में कुछ बोल दिया हो या आप दोनों के बीच बहस हो गई हो, तो वो चीज़ उनको काफ़ी खटक रही है, उनके दिमाग में अभी तक वो चीज़ है। अगर आप दोनों में कोई लड़ाई हुई थी, कोई झगड़ा हुआ था, कोई मिसअंडरस्टैंडिंग हुई थी, वो चीज़ अभी भी उनके दिमाग में है, लेकिन प्यार फिर भी है, कंपैटिबिलिटी काफ़ी महसूस करते हैं, आपको एक कंपैटिबल पार्टनर की तरह देख रहे हैं, सोच काफ़ी रहे हैं आपके बारे में। जो भी सोच रहे हैं ना, अच्छा या फिर टेंशन में आके, वो आपके बारे में ही सोच रहे हैं, ठीक है। टेंशन भी ले रहे हैं तो इट इज़ फॉर यू, अबाउट यू। मैं ये भी देख पा रही हूँ ये सारी चीज़ें बैलेंस आउट करना चाहते हैं, आपको जस्टिस देना चाहते हैं, इस रिलेशनशिप को बेटर करना चाहते हैं। जहाँ तक कि मैं देख पा रही हूँ दे वॉन्ट टू ग्रो, दे वॉन्ट टू ब्रिंग यू नो समथिंग बेटर टू दिस रिलेशनशिप। कुछ चीज़ें अगर यहाँ वहाँ हो गई थी, 19-20 कुछ चीज़ हो गई थी, तो वो उसको बेटर करना चाहते हैं, ठीक है। मैं ये भी देख पा रही हूँ काफ़ी अट्रैक्टेड है आपकी पर्सनालिटी, इनको काफ़ी पसंद है, इनको लगता है कि आप खुद के लिए स्टैंड लेते हो, आप इतने जल्दी यू नो काफ़ी स्टबर्न सी एनर्जी है आपकी, इनको लगता है आप जल्दी से अपने अपने डिसीजन से मुकरते नहीं हो, जो सोचते हो वैसा करके दिखाते हो। सो ये एरीज आपके पार्टनर आपके बारे में सोच रहे हैं और वो बैलेंस आउट करना चाहते हैं चीज़ों को, वो ठीक करना चाहते हैं। अगर कुछ चीज़ें ख़राब हो गई थी आप दोनों में, कोई यू नो झगड़ा हो गया था, गलतफहमी आप दोनों के बीच हो गई थी, तो वो उस चीज़ को क्लियर करना चाहते हैं, जो कि वो करेंगे भी। ओके, हो सकता है इस पर्सन को एंग्जाइटी काफ़ी फील हो रही हो, सैडनेस फील हो रही हो, डिप्रेस्ड सा फील कर रहे हो, तो इस इनके दिमाग में ना काफ़ी सारी चीज़ें चल रही है, बहुत सारी चीज़ें चल रही है, एंड दे आर जस्ट रिग्रेटफुल अबाउट व्हाट दे सेड और व्हाट दे बिहेव्ड इन। मतलब एक पर्टिकुलर अगर किसी चीज़ को लेके उन्होंने आपसे झगड़ा किया था,
किसी गलतफहमी की वजह से, तो उस चीज़ को लेकर ना इनको बुरा काफ़ी लग रहा है, बहुत ज़्यादा इनको सैड फील हो रहा है कि यार मैंने ऐसा क्यों कर दिया, मैंने ऐसा क्यों इनको बोल दिया, या मैंने इनके बारे में ऐसे गलत कैसे समझ लिया। ओके, तो एरीज़ ये आपके पार्टनर अभी फील कर रहे हैं, एंड काफ़ी टाइम से अगर आप में बात नहीं हो रही तो वो अभी आपसे बात करके चीज़ों को सॉर्ट आउट करने के बारे में काफ़ी ज़्यादा सोच रहे हैं, चीज़ों को ठीक करना चाहते हैं। और मैं ये भी देख रही हूँ कि सेक्शुअली भी काफ़ी अट्रैक्टेड फील कर रहे हैं, काफ़ी ज़्यादा दे वॉन्ट टू स्पेंड टाइम विथ यू, दे वॉन्ट टू टॉक टू यू, दे वॉन्ट टू मीट यू। तो मिसिंग, मेजर मिसिंग यहाँ पे चल रही है। और मैं ये भी देख रही हूँ कि इनको जो आपके साथ फील होता है वो आप नहीं होते हो, तो ये काफ़ी ज़्यादा काफ़ी सैड फील करते हैं, काफ़ी अलोन लेफ्ट आउट सा फील करते हैं। हैंड रिटन मैसेजेस से क्विकली कोई कार्ड्स निकाल के देख लेते हैं कि आपके किस एरिया ऑफ लाइफ पे आपको फोकस करना है, कोई मैसेज है आपके लिए तो देख लेते हैं। तीन मैसेजेस, ओके। फर्स्ट है लीव टॉक्सिक रिलेशनशिप। तो अगर आपको लगता है, अगर चाहे कुछ भी करके एक साइकिल ही चल रहा है इस पर्सन के साथ जिनके साथ आप रिलेशनशिप में हो, काफ़ी लोगों के लिए स्पेसिफिक हो सकता है मैसेज कि अगर आप टॉक्सिक रिलेशनशिप में हो स्पेसिफिकली, तो आपको ऐसे लोगों को छोड़ना है, आपको ऐसे रिलेशनशिप से बाहर निकलना है। ओके, इट इज़ टाइम टू लीव सच पीपल। पेशेंस, तो आपको पेशेंस रखने की ज़रूरत है लाइफ के किसी भी एरिया ऑफ लाइफ से। ये हो सकता है कि आपको पेशेंस रखने की ज़रूरत है, अगर काफ़ी टाइम से किसी चीज़ का वेट कर रहे हो तो और कर लो, डेफिनेटली कुछ बेहतर होने वाला है, इसीलिए आपको पेशेंस रखने की ज़रूरत है। इंट्यूशन, डेफिनेटली अगर आपको इंट्यूशन आ रहा है कि ये रिलेशनशिप मेरे लिए अच्छा नहीं है, आपने काफ़ी इंतज़ार कर लिया, तो आपको अभी फाइनली इस पर्सन को छोड़ देना है जो आपको ग्रो नहीं करने दे रहा है, जो आपको एक कहते हैं ना, कुछ इनका कुछ फिक्स नहीं रहता है, कभी ये तो कभी ये, कभी ये तो कभी ये, कुछ फिक्स इनका रहता नहीं है, मामला हमेशा गड़बड़ी रहता है इनके साथ। तो ये है एरीज़ के लिए, ठीक है। अगर आपको ये रीडिंग पसंद आई है एरीज़, तो प्लीज़ लाइक कमेंट शेयर ज़रूर करें। और देखते हैं कि नेक्स्ट साइन जो है टॉरस, उनके लिए उनके पर्सन करेंटली क्या फील कर रहे हैं, उनके दिमाग में क्या चल रहा है, ठीक है। टॉरस बोलते पर्सन इज करेंटली फीलिंग, करेंट फीलिंग पे फोकस कर रहे हैं हम लोग आपके, कि करंटली आपके पर्सन क्या फील कर रहे हैं। ओके, फर्स्ट कार्ड इज एट ऑफ पेंटिकल्स। काफ़ी हार्डवर्क किया जा रहा है अपने साइड से रिलेशनशिप को बेटर करने के लिए, और इवन आपके फाइनेंसेस पे, अपने करियर पे वर्क कर रहे हैं। व्हाट्स हैपनिंग फॉर टॉरस, व्हाट द पर्सन इज करंटली फीलिंग, व्हाट्स हैपनिंग फॉर टॉरस, व्हाट द पर्सन इज करंटली फीलिंग। ओके ओके, स्ट्रेंथ, डेफिनेटली ट्राइंग टू बिकम स्ट्रॉन्गर, एट ऑफ कप्स। तो देखिए, जहाँ तक मैं देख पा रही हूँ, आपके पर्सन ना इस रिलेशनशिप पे अब वर्कआउट करना चाहते हैं, काम करना चाहते हैं। कुछ चीज़ें अगर गलत हो रही थी, कुछ चीज़ें के लिए स्टैंड नहीं ले पा रहे थे, आपके लिए कुछ कर नहीं पा रहे थे सिग्निफिकेंटली, तो ये पर्सन अब करना चाहते हैं, आपके लिए खड़े होना चाहते हैं, आपको सपोर्ट करना चाहते हैं। अगर ये पर्सन आपको कमिटमेंट नहीं दे रहा था किसी वजह से, तो उन्होंने अपना टाइम लिया है, उन्होंने सोचा है, उनको समझ आ गई है चीज़ें, और वो ना अभी आपको साथ देना चाहते हैं। दे वॉन्ट टू जस्ट बी विथ यू, और आपका साथ दे के इस रिलेशनशिप को एक नेक्स्ट लेवल पे लेके जाना चाहते हैं। टॉरस, डेफिनेटली मैं यहाँ पे देख पा रही हूँ आप अनदर अर्थ साइन से डील कर रहे होंगे मे बी, या लियो से डील कर रहे होंगे, या फिर वाटर साइन से डील कर रहे होंगे। तो डेफिनेटली आपके पर्सन ना अभी सैड है, वो ना बहुत सोच रहे हैं, बहुत ज़्यादा डिप्रेस्ड है, हो सकता है इनको नींद भी ना आती हो रात में, एंग्जाइटी फील करते हैं, दे आर नॉट कम्प्लीट विदाउट यू, दे आर ऑन दिस क्रॉस रोड्स। उनको डिसीजन लेना है, उनको सोचना है कि मुझे इस पर्सन के लिए, मुझे मेरे टॉरस के लिए खड़े होना है, मुझे इसको खोना नहीं है किसी भी हाल में। तो बहुत अकेला महसूस कर रहे हैं, बहुत अपने अंदर एक स्ट्रेंथ जगाने की कोशिश कर रहे हैं, अपने अंदर पावरफुल बनने की कोशिश कर रहे हैं। ये पर्सन आपके लिए स्टैंड लेना चाहते हैं, आपके लिए कुछ करना चाहते हैं, टू फॉर दिस रिलेशनशिप वर्क करना चाहते हैं। और ना ये अभी आगे का भी सोच रहे हैं शादी का वगैरह आपसे, तो इस वजह से ये अपने फाइनेंसिस पे वर्क कर रहे हैं, अपने करियर के लिए वर्क कर रहे हैं। डेफिनेटली मुझे ये पर्सन काफ़ी ज़्यादा आपके बारे में, इस रिलेशनशिप के बारे में, ओवरऑल सारी चीज़ों के बारे में सोचते हुए दिख रहे हैं। डेफिनेटली दिस पर्सन लव्स यू अ लॉट, दे वॉन्ट यू बैक इन देयर लाइफ। अगर बहुत टाइम से बात नहीं कर रहे तो आपको दिखेगा कि विद इन अ वीक और सो ये पर्सन आपसे कांटेक्ट करने की कोशिश कर सकते हैं। ये था टॉरस के लिए, क्विक रीडिंग है, सिर्फ करंट एनर्जी देखना चाहते थे कि आपके पर्सन करंटली क्या सोच रहे हैं। अभी हैंड रिटन मैसेजेस से कुछ तीन मैसेजेस मैं निकालूंगी, देखते हैं आपके लिए क्या मैसेजेस हैं।
फर्स्ट है लीव टॉक्सिक रिलेशनशिप. तो अगर ये पर्सन काफ़ी टाइम से आपको लग रहा है कि आपको अटका के रखा है, अगर कोई पर्सन ऐसा है आपकी लाइफ में जो जिसके साथ चीज़ें आगे नहीं बढ़ रही है, तो डेफिनेटली आपको इस रिलेशनशिप को छोड़ना चाहिए. अपने लाइफ को स्टैगनेंट नहीं रखना है आपको. दूसरा है पेशेंस. तो डेफिनेटली मुझे यहाँ पे लग रहा है कि आपको पेशेंस रखने की भी ज़रूरत है. किसी किसी के लिए ये स्पेसिफिक मैसेज हो सकता है. किसी भी एरिया ऑफ लाइफ में आपको पेशेंस रखने की ज़रूरत है. और कोई पर्सन अगर आपको कुछ नहीं दे रहा है, कुछ ग्रोथ नहीं मिल रहा है, कुछ भी क्लैरिटी नहीं दे रहा है, तो आपको इस रिलेशनशिप को छोड़ने की ज़रूरत है. ठीक है, पेशेंस रखने की भी ज़रूरत है, चाहे ये करियर हो आपका, फैमिली इशू हो, या कोई भी चीज़ हो. और तीसरा मैसेज है वेट फॉर मी. तो काफ़ी लोगों के लिए मुझे लग रहा है कि आपके पर्सन कह रहे हैं कि प्लीज़ वेट फॉर मी, आई एम कमिंग बैक, डोंट लीव मी, आई एम गोइंग टू टेक स्टैंड फॉर आर रिलेशनशिप, आई एम गोइंग टू टेक स्टैंड फॉर दिस रिलेशनशिप, वी विल वर्क टुगेदर. तो डेफिनेटली ये मैसेज अगर आपसे रेजोनेट की है, ये रीडिंग, क्विक रीडिंग आपसे रेजोनेट की है, तो प्लीज़ लाइक, कमेंट, शेयर ज़रूर करिए. अब देखते हैं थर्ड साइन यानी जेमिनाइज के लिए, उनके पर्सन करेंटली क्या फील कर रहे हैं. लेट्स मिथुन राशि वालों के लिए उनके पर्सन फिलहाल क्या सोच रहे हैं, क्या उनके दिमाग में चल रहा है. मुझे तीन कार्ड्स चाहिए. फॉर जेमिनाइज, ओके, किंग ऑफ पेंटिकल्स, बीइंग स्ट्रांग, आपके लिए स्ट्रांगली खड़े होना चाहते हैं. सिक्स ऑफ पेंटिकल्स, नाइन ऑफ पेंटिकल्स. दिस पर्सन इज ऑल अबाउट मनी. ये अपने करियर, अपने फाइनेंसेस, अपने ग्रोथ पे वर्क कर रहे हैं, ये अपने पे काम कर रहे हैं. दे आर बिल्डिंग देयर एम्पायर. मिथुन राशि वाली जिनसे आप डील कर रहे हो, मे बी अर्थ साइन है, टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न. मुझे डेफिनेटली ये पर्सन अपने पे फोकस करते हुए ज़्यादा लग रहे हैं. ये अपने काम से काम रख रहे हैं, ये आपको इतना, आपके बारे में इतना सोच नहीं रहे हैं. और ये ना अलग ही फेज में है अपना, इनका दिमाग किसी और ही डायरेक्शन में चल रहा है. आपके बारे में इतना नहीं सोचा जा रहा है इस वक्त. इस पर्सन के दिमाग में आपको लेके चीज़ें इतनी नहीं है. दे आर लाइक ऑल अबाउट देमसेल्व्स. वो अपने काम पे फोकस कर रहे हैं, अपने बिजनेस, अपने वर्क, अपने स्टडी, अपनी फिटनेस, अपना जो कुछ फ्रेंड सर्कल, उनके साथ ही ये हैप्पी है. जिसमें, जिस चीज़ में उसके साथ काफ़ी ज़्यादा, ये उसी चीज़ में अपना फोकस ज़्यादा डाल रहे हैं. ठीक है, तो आपको भी अपने आप पे काम करना चाहिए. मुझे इंट्यूटिवली लग रहा है कि आप काफ़ी ज़्यादा इमोशनल हो रहे हो, टेंशन ले रहे हो उस पर्सन को लेके, बट ये पर्सन आपके लिए, आपके बारे में इतना नहीं सोच रहे. तो आपको भी इतना नहीं सोचना चाहिए. बट हो सकता है कि ये ट्रिगर हो गए हो, इनको आपके साथ शादी करनी है, तो मे बी ट्रिगर हो गए हो कि नहीं, मुझे इनके लिए कुछ करना ही होगा, मैं ऐसे ही नहीं रह सकता, मुझे कुछ तो बनना ही पड़ेगा, तब जाके मैं इनके घर वालों से मिल पाऊँगा. तो काफ़ी ओके लिए ये भी हो सकता है. बट ये पर्सन का फोकस अभी करियर पे है, स्ट्रांग बनने पे है, अपने लाइफ पे फोकस, अपने लाइफ को बेटर बनाने पे ये पर्सन अभी फोकस ज़्यादा दे रहा है. फॉर जेमिनाइज, आपके पर्सन के बारे में बात हो रही है. ठीक है, मेरे हैंड रिटन मैसेजेस देख लेते हैं कि आपके किस, आपके लिए क्या मैसेज है और आपको किस एरिया ऑफ लाइफ में फोकस करना चाहिए. फर्स्ट मैसेज है हस्बैंड वाइफ मटेरियल. तो हो सकता है कि ये पर्सन आपके साथ अब शादी करना चाहते हैं, तो ये आपको एक हस्बैंड वाइफ मटेरियल की तरह देखते हैं, जिनके भी बारे में आप सोच रहे हो काफ़ी लोगों के लिए. और ये भी देखते हैं कि इनको आपके लिए कुछ करना है, इस वजह से शायद ये अपने फाइनेंसेस पे भी काम कर रहे हैं. दूसरा है चिल्ड्रन, या हो सकता है आप ऐसे पर्सन से डील कर रहे हो जिनकी ऑलरेडी फैमिली है, जिनकी चिल्ड्रन है, तो वो उनको छोड़ के अभी नहीं आ पा रहे हैं. वो ऑफिशियली उन्होंने कोई डिवोर्स नहीं लिया है, वो अभी भी किसी रिलेशनशिप में है, या आप दोनों चिल्ड्रन के वजह से एक साथ रह रहे हो, ये भी हो सकता है. CJKNRTVYEG, इनमें से आपके पार्टनर के नहीं तो आपके इनिशियल्स हो सकती है. ओके, या इस इनिशियल से, या इस इनिशियल से शुरुआत होके इस पर्सन के नाम, ये पर्सन आपके लिए काफ़ी सिग्निफिकेंट हो सकता है. तो ये थी रीडिंग जेमिनाइज के लिए, क्विक रीडिंग थी, ज़्यादा लंबी नहीं. ओके, देखते हैं कि कैंसर के लिए उनके लव लाइफ में उनके पार्टनर करेंटली उनके बारे में क्या सोच रहे हैं. व्हाट्स हैपनिंग फॉर कैंसर, व्हाट द पर्सन इज करेंटली फीलिंग, व्हाट्स हैपनिंग फॉर कैंसर. ओके, फर्स्ट कार्ड है द वर्ल्ड. ओ माय गॉड, रिकंसिलेशन. काफ़ी लोगों के लिए रिकंसिलेशन होगा. कैंसर, आपके पर्सन वापस आएंगे आपके लाइफ में. द फूल, नाइट ऑफ स्वॉर्ड्स.
देखिए, जहाँ तक मुझे दिख रहा है कैंसर कर्क राशि वाले आपके पर्सन करंटली ऐसे दिखा रहे हैं कि उनको कोई फ़र्क नहीं पड़ रहा है, वो अपने लाइफ में काफ़ी हैप्पी है, वो इतना आपके बारे में नहीं सोच रहा है। लेकिन चाहे ये पर्सन चाहे या ना चाहे, रिकन्सिलेशन डेफिनेटली मुझे होते हुए दिख रहा है कईयों के लिए, काफ़ी लोगों के लिए आपके पर्सन लाइफ में वापस आएंगे, वो आपसे रिकनसाइल करना चाहेंगे, आपसे फिर से रिलेशनशिप को एक स्टार्ट देना चाहेंगे। बाहर से भले ये पर्सन ऐसे दिखा रहे हैं इनको इतना कुछ फ़र्क नहीं पड़ रहा है, लेकिन अंदर ही अंदर ये पर्सन काफ़ी ज़्यादा सोच रहे हैं। विद दिस नाइट ऑफ स्वॉर्ड्स आई एम डेफिनेटली सीइंग यू डीलिंग विद एन एयर साइन, जेमिनाई, लिब्रा, एक्वेरियस। मैं ये भी देख रही कि ये पर्सन कोई क्लैरिफिकेशन एक तो देना चाहते हैं या नाराज़गी में है और कोई क्लैरिफिकेशन चाहते हैं आपसे, या आप इनको चांस नहीं दे रहे हो खुद का स्टोरी सामने रखने के लिए, खुद को क्लैरिफाई करने के लिए। तो इस वजह से ये पर्सन काफ़ी मुझे गुस्से में नज़र आ रहा है, इनका गुस्सा एकदम बढ़ा हुआ है आपको लेके, और ये ऐसा सोच रहे कि आप इनको वो चांस ही नहीं दे रहे कि आप अपनी साइड इनको दिखाओ, आप अपनी साइड इनको समझाओ कि क्यों, वाई सच थिंग्स हैपन, अगर ये आपके लाइफ में अभी नहीं है तो क्यों। तो ये पर्सन ना चाहते कि आप इनको एक चांस दो, बट रिकन्सिलेशन बहुतों के लिए डेफिनेटली होगा, कईयों के लिए तो विद इन 3 वीक्स ही होगा। ओके, ये जो इस मोड में है ना कि मेरे को कोई फ़र्क नहीं पड़ता, केयरलेस वाले उससे भी बाहर निकलेंगे। ओके, हैंड रिटन मैसेजेस में ऐसे देख लेते हैं आपके लिए क्या मैसेज निकल के आता है स्पेसिफिकली। फर्स्ट मैसेज है इंटीमेसी, तो बहुत सारे लोगों के लिए मे बी दे वॉन्ट इंटीमेसी व्यक्ति, वो आपके साथ टाइम स्पेंड करना चाहते हैं, आपके साथ इंटीमेट होना चाहते हैं। दूसरा जो है जॉब चेंज, बहुत सारे लोगों के लिए जॉब ऑफर्स आएंगे, जॉब चेंज करोगे या डिसीजन लोगे जॉब चेंज करने का। और मेरे को ये भी दिख रहा है कि आपको मेडिटेट करना है, आपको सारे आंसर्स आपके मेडिटेशन के थ्रू मिलेंगे, आपको इस रिलेशनशिप के बारे में हो या चाहे किसी भी एरिया ऑफ लाइफ के बारे में हो, अगर बहुत टेंशन में हो तो मेडिटेट करिए, आपको सारे आंसर्स आपके मिल जाएंगे। दूसरा जो है लियो के लिए रीडिंग करते हैं, लियो के लिए देखते हैं उनके करंटली उनके पार्टनर क्या फील कर रहे हैं। पहला ही कार्ड है किंग ऑफ स्वॉर्ड्स, गुस्से में नज़र आ रहे हैं मुझे आपके पार्टनर, उनको लग रहा है कि आप इतने स्ट्रांगली कैसे खड़े हो, आप क्यों कुछ नहीं कर रहे हो। फाइव ऑफ वॉन्ड्स, और थ्री ऑफ वॉन्ड्स। जहाँ तक कि मैं देख पा रही हूँ ये पर्सन मुझे किसी थर्ड पार्टी सिचुएशन में अटके हुए दिख रहे हैं, डिसीजन नहीं ले पा रहे हैं, कुछ तो ऐसा है जिसने इनको अटका के रखा है। मे बी ये किसी ऑलरेडी कमिटेड रिलेशनशिप में थे, ये चीज़ उन्होंने आपको बताई नहीं, एंड दे आर नॉट बीइंग एबल टू गेट आउट ऑफ दिस रिलेशनशिप। जहाँ तक कि मैं देख पा रही हूँ किसी चीज़ में, फैमिली इश्यूज़ में या किसी भी चीज़ में अटके पड़े हैं, ये उससे बाहर नहीं निकल पा रहे, अपने आप को छुड़ा नहीं पा रहे उससे। तो इस वजह से ये काफ़ी टेंशन में नज़र आ रहे हैं मुझे। ये इंसान आपको कुछ चीज़ें बताना चाहते हैं बट आप उनको आने नहीं दे रहे हो, या फिर आप इनको कुछ बताना चाहते हो बट वो सुन नहीं रहे हैं, ऐसा भी सीन मुझे यहाँ पे दिखाई दे रहा है। और मुझे डेफिनेटली लग रहा है काफ़ी लोग यहाँ पे थर्ड पार्टी सिचुएशन में है, थ्री चॉइसेस हैं मे बी, या दो चॉइसेस हैं इनके सामने और इनको समझ नहीं आ रहा है मुझे क्या करना चाहिए। तो ये ओवरऑल मुझे लग रहा है आप फायर साइन से डील कर रहे हो, अनदर फायर साइन मे बी, और एयर साइन जेमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस। ओके, तो आप जिस पर्सन के बारे में अभी ये रीडिंग देख रहे हो वो फैमिली इश्यूज़ में या किसी और चीज़ में अटके पड़े हैं, डिसीजन नहीं ले पा रहे हैं, या फिर थर्ड पार्टी सिचुएशन में मे बी ये पर्सन भी हो सकते हैं, जो कि मुझे ज़्यादा टाइम टिकते हुए नहीं दिख रही है। ओके, जो थर्ड पार्टी में है ये पर्सन, देखते हैं आपको हैंड रिटन मैसेजेस में से क्या मैसेज आपके लिए निकल के आते हैं। फर्स्ट मैसेज है सोशलाइज, तो आपको सोशलाइज़ करने की ज़रूरत है, आप अकेले रहते हो फिर दिमाग में फालतू की चीज़ें आती है, आपको टेंशन पे फोकस नहीं करना, आपको सोल्यूशन पे फोकस करना, शांत रहिए, सोशलाइज़ करिए, जितना लोगों से बात करोगे, जितनी अपनी बातें शेयर करोगे ट्रस्टफुल लोगों से, ओके, तो उतना अच्छा रहेगा। अर्थ साइन से मे बी डील कर रहे हो, टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न, काफ़ी लोगों के लिए स्पेसिफिक हो सकता है। और वेट फॉर मी, तो ये पर्सन आप बोल रहे हैं मेरे लिए रुको, कहीं जाओ मत, मैंने मूव ऑन नहीं किया, आप भी मत करो। ठीक है, तो ये थी लियो के लिए। अब देख लेते हैं वर्गो, इनके लाइफ में इनके जो पार्टनर है जिनके भी बारे में आप ये रीडिंग देख रहे हो, आपके पर्सन करेंटली क्या फील कर रहे हैं फॉर वर्गो वन। ओके, तो वर्गो के लिए कौन से कार्ड्स आए हैं, फर्स्ट है फाइव ऑफ कप्स, ओ गॉड दे आर टू सैड, एट ऑफ स्वॉर्ड्स। आपके पर्सन ना मुझे लग रहा है खुद के दिमाग में बाउंड्रीज बना के रखी है,
कुछ मनगढ़ंत कहानियाँ बना के रखी है और उस पर ट्रस्ट किए जा रहे हैं, मिसअंडरस्टैंडिंग में है, और इस वजह से वो अकेले फील कर रहे हैं, रिग्रेट भी फील कर रहे हैं, लेकिन उनका दिल कुछ कह रहा है, दिमाग कुछ कह रहा है, दिल कह रहा है कि यार वो बंदी मेरे लिए सही है या वो बंदा मेरे लिए सही है, मतलब आप, बट दिल कुछ और ही कह रहा है, दिमाग तो कुछ और ही कह रहा है, ठीक है। तो ये पर्सन ना अपने दिल पे ज़्यादा ट्रस्ट नहीं कर रहा, अपने दिमाग पे ज़्यादा ट्रस्ट कर रहा, जो कि इनका बहुत बड़ा दुश्मन मुझे यहाँ पर दिख रहा है। इनके दिमाग में कुछ फालतू की चीज़ें आ रही है जो सच भी नहीं है, बस इनके दिमाग में ही ये चीज़ें है भी नहीं रियलिटी में, ये बातें ये सोच रहे हैं, और इनके जो दिमागी ख्याली पुलाव जो इन पका रहे हैं, ये कुछ यही इनको आपके पास आने नहीं दे रहे, यही इनके बड़े दुश्मन बने हुए हैं। और मुझे ये भी लग रहा है कि ये जो सिचुएशन है उसमें हैप्पी तो नहीं है, बट ऊपर से ऐसा दिखा रहे हैं कि मैं काफ़ी हैप्पी हूँ, मुझे तो कोई फ़र्क ही नहीं पड़ता, मेरा तो कुछ नहीं जाता तुम्हारे सिवा, लेकिन जा तो काफ़ी रहा है इनका, काफ़ी सैड लग रहा है विद दिस फाइव ऑफ कप्स ओवर हियर। ये बस खुश नहीं है, जस्ट पोर्ट्रे कर रहे हैं कि मैं बहुत खुश हूँ। हैंड रिटन मैसेजेस में से देख लेते हैं आपको लिए आपके लिए क्या मैसेजेस आती है। ओके, फर्स्ट मैसेज है चूजिंग यू, तो ये पर्सन आपको ही आखिर में जाके चूज़ करेंगे। अगर ये थर्ड पार्टी के, अगर आप ऐसे पर्सन से डील कर रहे हो जो थर्ड पार्टी में है, मैं भी ऑलरेडी मैरिड है, तो ये आपको चूज़ करेंगे काफ़ी लोगों के लिए। दूसरा जो मैसेज है वो है मैनिफेस्टेशन, तो डेफिनेटली मैनिफेस्ट, काफ़ी लोग यहाँ पे हैं जो अपने पर्सन को मैनिफेस्ट कर रहे हैं, तो ये मैनिफेस्टेशन डेफिनेटली वर्क कर रही है। दूसरा है सोशल मीडिया, तो काफ़ी लोगों के लिए लॉन्ग डिस्टेंस हो सकता है, आप लोग सोशल मीडिया के थ्रू ही ज़्यादा कनेक्टेड हो, या सोशल मीडिया के थ्रू वापस ये पर्सन आपके पास आएंगे, वापस आपसे कॉन्टैक्ट करेंगे। तो ये था वर्गो के लिए, अब देखते हैं लिब्रा के लिए, आपके लाइफ में, लव लाइफ में आपके पर्सन करेंटली क्या फील कर रहे हैं, व्हाट्स हैपनिंग फॉर लिब्रा, What's happening for Libra? Libra के person की current feelings क्या है? What's happening in their love life for Libra currently? Okay. जो first card है वो है Queen of Swords. सेकेंड कार्ड है टेन ऑफ स्वर्ड्स। देखिए मुझे लग रहा है ये पर्सन ना किसी प्रेशर में है, सप्रेशन में है, किसी चीज़ ने इनको अटका के रखा है, या इन्होंने खुद ही किसी चीज़ में खुद को अटका लिया है। एंड एस ऑफ स्वर्ड्स, नई शुरुआत डेफिनेटली होगी, नई शुरुआत चाहते हैं और डायरेक्ट होगी, डायरेक्टली बात करेंगे आपसे कि मुझे ये चाहिए, मैं ये एक्सपेक्ट कर रही हूँ या कर रहा हूँ, और निशाना काफ़ी इनका तेज़ होने वाला है, शायद आर्ग्यूमेंट्स भी हो सकते हैं शुरुआत में आपसे, हर्ट है किसी चीज़ को लेकर, या इनको लग रहा है कि आपने इनसे कुछ चीज़ छुपाई, या आपने इनके मन मुताबिक कुछ नहीं किया, या आपने इनसे कुछ चीज़ें छुपाई, कुछ बातें छुपाई, जिससे इनको काफ़ी तकलीफ़ हो रही है और हर्ट फील कर रहे हैं, मूव ऑन नहीं किया है, ये अभी भी आपके ऊपर ही अटके हैं मेंटली, या आपके साथ ही रहना चाहते हैं, दे वॉन्ट टू क्लैरिफाई सम थिंग्स विथ यू, बस इनके दिमाग में एक ही है, कुछ तो था जो आपने किया मे बी इन पास्ट, और इनको वो क्लैरिफाई करना है, मे बी इन्होंने ट्राई भी किया होगा बहुत सारे लोगों के लिए फॉर लिब्रा, लेकिन आपने शायद सुनी नहीं इनकी बात। आप बहुत मोस्ट प्रोबेबली लिब्राज आप लोग यहाँ पे अनदर एयर साइन से डील कर रहे हैं, मे बी जेमिनी लिब्रा एक्वेरियस, तो आपको ना थोड़ा सा समझदारी से इनके साथ पेश आना है, बहुत हर्ट मुझे दिख रहा है ये पर्सन। आपके लिए हैंड रिटन मैसेजेस से कुछ मैसेजेस निकालते हैं फॉर लिब्रा, लिब्रा के लिए मुझे कुछ मैसेजेस चाहिए। ओके, फर्स्ट है फ्रेंडशिप, तो डेफिनेटली अच्छे फ्रेंडशिप्स आप मैनिफेस्ट करोगे, अच्छे फ्रेंड्स आएंगे आपके लाइफ में, या फिर अच्छे लोग हैं आपके पास, या आपको फ्रेंड्स में, फ्रेंड्स के भेस में जो लोमड़ी होते हैं ना, उनको पहचानने की ज़रूरत है अभी, कौन अच्छे फ्रेंड्स है और कौन नहीं है। रिकन्सिलेशन, बहुत सारे लोगों के लिए रिकन्सिलेशन होगा, जो कि मैंने आपको पहले भी बताया। सॉरी, ये पर्सन काफ़ी सॉरी फील कर रहे हैं, अगर इनको पास में इन्होंने आपको चूज़ नहीं किया, या आपको हर्ट किया, मे बी ये आप थे जिनको उन्होंने हर्ट किया और आप चाहते थे क्लैरिफिकेशन, ये भी हो सकता है फॉर लिब्रा। ओके, देखते हैं स्कॉर्पियंस के लिए, उनके लव, उनके पार्टनर करंटली क्या फील कर, व्हाट्स हैपनिंग फॉर स्कॉर्पियंस, What's happening for Scorpions in their love life? Okay, Two of Swords, Two of Cups. आप दोनों ना मुझे लग रहा है एक दूसरे से प्यार भी करते हो और एक दूसरे से झगड़ते भी काफ़ी ज़्यादा हो। आपको पता है कि आप दोनों एक साथ ही हो, एक साथ ही रहना चाहते हो, बट आप एक दूसरे से प्यार करते हो, उतने एक दूसरे के दुश्मन भी हो, मुझे कहीं ना कहीं नज़र आ रहा है। सोल कनेक्शन है, सोल फ्रेंड्स हो, बट
टाइम आने पे एक दूसरे के दुश्मन भी बन जाते हो, या ऐसे पेश आते हो कि एक दूसरे से दुश्मनी है, मतलब दुश्मनी है आप दोनों के एक दूसरे से. ये कॉन्ट्राडिक्टरी, मुझे आप दोनों के माइंड्स काफ़ी कॉन्ट्राडिक्टरी लग रहे हैं. आपको जब लगता है लेफ्ट जाना चाहिए तो आपके पार्टनर को लगता है राइट में जाना चाहिए. आप कहते हो कि मुझे तो अभी खाना खाना है तो आपके पार्टनर को सोना होता है, तो ऐसा कुछ मुझे कॉन्फ्लिक्ट नज़र आ रहा है. प्यार तो काफ़ी ज़्यादा है, लोगों को लगता होगा कि यार इतना झगड़ते हैं ये दोनों फिर भी साथ में कैसे है. स्कॉर्पियंस क्या चल रहा है? और मुझे ये भी लग रहा है काफ़ी लोगों के लिए कुछ बड़ा डिसीजन अगर काफ़ी टाइम से ले नहीं पा रहे हो, आपके पार्टनर नहीं ले पा रहे हैं, तो वो लेंगे. और ये डिसीजन आपके लिए काफ़ी अच्छा होगा, काफ़ी फ्रूटफुल होगा. आपके लिए ये क्लैरिटी लाएगा, आपके लिए ये आपका जो पेशेंस लेवल था जो आपने काफ़ी टाइम से संभाल के रखा था उसको डेफिनेटली जस्टिस मिलेगा अभी मुझे लग रहा है. और अगर कोई क्लैशेस चल रहे थे तो इस क्लैश से भी बाहर निकलते हुए मुझे यहाँ पर आप दिखाई दे रहे हो. तो डोंट वरी, अगर अभी झगड़ा वगैरह चल रहा है आप में, आप लोग एयर साइन से डील कर रहे हो, जेमिनी लिब्रा एक्वेरियस या वाटर साइन कैंसर स्कॉर्पियो पाइसिस, या स्पेसिफिकली किसी लिब्रा से डील कर रहे हो बहुत सारे लोग यहाँ पे, ठीक है? तो आप ना, झगड़ा है आप में लेकिन प्यार भी उतना ही है, तो डरो मत. ओके, हैंड रिटन मैसेजेस में से देखते हैं आपके लिए क्या मैसेज निकल के आता है. तीन मैसेजेस निकालूंगी मैं फॉर स्कॉर्पियंस. ओके, फर्स्ट मैसेज है अर्थ साइन, मे बी यू आर डीलिंग विद टॉरस वर्गो कैप्रिकॉर्न, ठीक है? ट्रस्ट इशूज़ है आप दोनों में. ट्रस्ट, मैंने बोला ना, आप दोनों एक दूसरे से प्यार जितना करते ना उतने ही ज़्यादा एक दूसरे के दुश्मन हो. ट्रस्ट इशूज़ पे वर्क करिए प्लीज़. कॉम्प्रोमाइज़, मे बी आपके पर्सन किसी और कॉम्प्रोमाइज्ड रिलेशनशिप में है जहाँ पे वो खुश नहीं है, तो ये बड़ा डिसीजन मे बी वो लेके आएंगे कि वो ऑफिशियली डिवोर्स लेके आएंगे उनके पार्टनर से. एंड देन दे विल आस्क यू आउट फॉर अ स्ट्रॉन्ग कमिटमेंट ऑफ. ओके, सेगिटेरियंस के लिए देख लेते, धनुराशि वालों के लिए उनके पार्टनर की करंट फीलिंग्स क्या है, उनके पार्टनर करंटली क्या सोच रहा है. ओके, धनुराशि वालों के लिए ओके काफ़ी अच्छे हैं कार्ड्स फॉर सेगिटेरियंस. टेन ऑफ पेंटिकल्स है, टेम्परेंस है. मुझे लग रहा है आप चीज़ें सुधर रही है आप दोनों के बीच, आप दोनों एक दूसरे की अहमियत को जानने लगे हो. आपके पार्टनर अर्थ साइन हो सकते हैं, टॉरस वर्गो कैप्रिकॉर्न, या फिर हो सकता है वाटर साइन हो. ओके, मैं जो यहाँ पे देख रही हूँ, मुझे लग रहा है कि आप जिस पर्सन से डील कर रहे हो सेगिटेरियंस, वो काफ़ी ज़्यादा बैलेंस्ड हो गए अपने विचारों में. उनको समझ आ गया उनको क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए. पास्ट में अगर वो आपके लिए स्टैंड नहीं ले रहे थे तो वो स्टैंड लेंगे. रिकन्सिलेशन भी मुझे होते हुए दिख रहा है. चीज़ें काफ़ी टाइम से ऑफ बैलेंस थी आप दोनों की, तो अब बैलेंस आउट होते हुए दिख रहे हैं. आप दोनों ना कंपैटिबल हो, और ये आप दोनों भी जानते हो कि आप दोनों एक दूसरे के लिए बने हो, सोलमेट्स हो. बट आप उस चीज़ को, आपके पर्सन और आप उस चीज़ पे फोकस नहीं कर रहे थे, आपका फोकस किसी और ही चीज़ पे था. ट्रस्ट इश्यूज में भी हो सकते हैं, या किसी और कोई इश्यूज मुझे हो सकते हैं दिखाई दे रहा है, उसके वजह से चीज़ें ऑफ बैलेंस जा रही थी. बट अभी चीज़ें बैलेंस आउट होंगी, आपके पर्सन करना चाहते हैं चीज़ें बैलेंस आउट. अगर कुछ आपको काफ़ी देखिए अचानक से ये मैसेज आके उड़ के आया है ऑन एंड ऑफ, तो हो सकता है कि आपके पर्सन और आप काफ़ी टाइम से इन एंड आउट कर रहे थे एक सॉलिड रिलेशनशिप. देखिए और मैसेजेस कुछ अपने आप ही आ गए हैं. एज डिफरेंस में भी आप जिनसे डील कर रहे हो उनके और आपके बीच एज डिफरेंस है. ओके, ट्विन फैमिली इश्यूज, मैंने बोला आपको किसी बाहरी इशू के वजह से आप दोनों का रिलेशनशिप ऑफ बैलेंस जा रहा था. मे बी 1-5-6 months से आप दूर हो, या 1-5-6 months के अंदर आप दोनों का रिकन्सिलेशन होगा. दूसरा है फिजिकल अट्रैक्शन. मे बी ये पर्सन काफ़ी ज़्यादा फिजिकली अट्रैक्टेड या पुल फील करते हैं आपके लिए, दे वॉन्ट टू यू नो समझ जाओ. देखते कैप्रिकॉन्स यानी कि मकर राशि वालों के पर्सन अभी उनके बारे में क्या सोच रहे हैं. फॉर कैप्रिकॉन्स प्लीज गिव मी 3 cards. स्ट्रेंथ, टेकिंग स्टैंड, सेवन ऑफ पेंटिकल्स, एंड सेवन ऑफ सोर्स. देखिए जहाँ तक कि मैं देख पा रही हूँ आप लियो से डील कर रहे हो मे बी, या फिर अर्थ साइन टॉरस वर्गो कैप्रिकॉर्न, या फिर एयर साइन जेमिनी लिब्रा एक्वेरियस. जहाँ तक कि मैं देख पा रही हूँ मकर राशि वाले आपके लिए
आपके पर्सन अब स्टैंड लेना चाहते हैं, दे वॉन्ट टू स्टैंड फॉर दिस रिलेशनशिप, अगर शादी की बात चल रही है, अगर स्टैंड नहीं ले रहे थे तो अभी ये लेंगे। मैं ये भी देख पा रही हूँ कि आपके पर्सन इस रिलेशनशिप पे अपना इन्वेस्ट करना चाहते हैं, एफर्ट्स डालना चाहते हैं, इस रिलेशनशिप पे अपना पार्ट, अपना कॉन्ट्रीब्यूशन देना चाहते हैं, और इनको इस चीज़ में काफ़ी खुशी मिलती है, उनको आप में खुशी मिलती है, इस प्यार में खुशी मिलती है, और उनको पता है कि ये चीज़ लॉन्ग टर्म होने वाली है, तो वो उस चीज़ में इन्वेस्ट करने के लिए अब तैयार है। मैं ये भी देख पा रही हूँ कि कुछ आजू बाजू के, मतलब कहते हैं ना, बाहरी सिचुएशन की वजह से आप दोनों में मे बी वो पर्सन सप्रेस्ड थे, या उनके फैमिली में कुछ प्रॉब्लम्स थी, या आप दोनों शादीशुदा हो और उनके फैमिली उनको अलाउ नहीं कर रही थी, तो कुछ तो है डेफिनेटली जो इनके आसपास चल रहा था, जिसके वजह से बाउंड्री सी क्रिएट हो गई थी, और ये बाउंड्री आप उन्होंने खुद ही हटा दी है, और वो आना चाहते हैं। यू वॉन्ट टू जस्ट लेट देम इन, डिसीजन इज़ ऑल योर्स आफ्टर ऑल, आपके ऊपर डिसीजन है, आपको इनको अपने लाइफ में लेना है नहीं लेना है। बट या फिर ये मैसेज आपके लिए हो सकता है कि आपको ना, अगर ये पर्सन आना चाहते हैं तो आप आने नहीं दे रहे हो, ऐसे कुछ मुझे यहाँ पे डेफिनेटली होते हुए दिख रहा है, ठीक है, तो आपको इनको आने देना है, ओके okay? आपके लिए, ओ सॉरी, आपके लिए हैंड रिटन मैसेजेस ही नहीं देखे मैंने, ओके सॉरी फॉर दैट। हैंड रिटन मैसेजेस में से आपके लिए देख लेते हैं कि आपके पर्सन क्या मैसेज देना चाहते हैं, या फिर यूनिवर्स आपको क्या मैसेज देना चाहते हैं। फॉर कैप्रिकॉन्स, ओके, पहला मैसेज है जॉब चेंज। काफ़ी लोगों के लिए आई थिंक आपको नया जॉब ऑफर आ सकता है, या आप अपना जॉब चेंज करने के बारे में सोच सकते हो। करियर जॉब, मुझे लगता है आपका फोकस काफ़ी करियर और जॉब पे है, इस वजह से ऐसे मैसेज आ रहे हैं। वेट फॉर मी, तो काफ़ी पार्टनर्स आपके बता रहे हैं आपको कि प्लीज़ वेट करिए, जाइए मत, उन्होंने मूव ऑन नहीं किया है, आपको भी उनका वेट करना चाहिए। देखते हैं फॉर एक्वेरियस, कुंभ राशि वालों के पार्टनर अभी क्या सोच रहे हैं करेंटली। द सन, द मजिशियन, पॉजिटिव कार्ड्स, एक्वेरियंस, हैप्पी फॉर यू, सिक्स ऑफ स्वर्ड्स। देखिए जहाँ तक मैं देख पा रही हूँ, एक्वेरियंस आप एक तो एयर साइन से डील कर रहे हो, अनदर एयर साइन जेमिनी लिब्रा एक्वेरियस, या फिर फायर साइन, ओके। देखिए जहाँ तक कि मैं देख पा रही हूँ, ये पर्सन ना, दे वॉन्ट टू ब्रिंग चेंज इन टू दिस सिचुएशन। ये काफ़ी टाइम से मुझे लग रहा है स्टैगनेंट से सिचुएशन है, जिसमें चेंजेस लाना चाहते हैं अपनी तरह से। आपको मैनिफेस्ट कर रहे हैं शायद ये पर्सन, या आप इनको मैनिफेस्ट कर रहे हो, तो वो मैनिफेस्टेशन डेफिनेटली उन पर काम कर रही है। उनके थाट्स काफ़ी अच्छे हैं आपको लेके, काफ़ी होपफुल हैं, काफ़ी ब्राइट और हैप्पी फील करते हैं आपके बारे में जब भी सोचते हैं। और जब ना इनको चीज़ें याद आती है, तो दो चीज़ें याद आती है इनको कि आपके साथ ये कितना कंप्लीट फील करते हैं, बैलेंस्ड फील करते हैं, बट साथ ही साथ कहीं ना कहीं इनको पुरानी कोई चीज़, जो आर्ग्यूमेंट आपसे हुई थी, या जो मनमुटाव आपके साथ इनका हुआ था, वो चीज़ याद जब आती है इनको, तो उनको दुख भी पहुँचता है। तो ये चीज़ें सॉर्ट आउट करना चाहते हैं आपके साथ, नॉर्मल करना चाहते हैं चीज़ों को, यू नो, पॉजिटिव चीज़ों पे ज़्यादा फोकस करना चाहते हैं, मैं जहाँ पे देख पा रही हूँ। एंड ये चाहते हैं कि जो ब्लॉकेजेस आपने बना के रखी है, आप इनको आने नहीं दे रहे हो लाइफ में, ये आपको हटा देनी चाहिए, और आपको इनको अंदर आने देना चाहिए। तो दे जस्ट वॉन्ट यू टू एक्सेप्ट देम, इज़ वॉट आई एम सीइंग हियर, ओके। तो डेफिनेटली अगर ये आपको मैनिफेस्ट कर रहे हैं, तो प्लीज़ इनको आप लोग कहते हैं ना, इग्नोर मत कीजिए इनको, इनको बार बार अपने लाइफ से हटाने के बारे में मत सोचिए, क्योंकि ये काफ़ी पॉजिटिव दिखाई दे रहे हैं इस रिलेशनशिप को लेकर। हैंड रिटन मैसेजेस देख लेते हैं आपके लिए। बाप रे, मुझे इतने सारे मैसेजेस नहीं चाहिए। आपके पर्सन ना, मुझे ये भी लग रहा है कि उनको अब सिचुएशंस को हैंडल और कंट्रोल करना है, बट आप कहीं अड़े बैठे हो, ऐसे मुझे लग रहा है कि हीलिंग, मैंने बोला आपको हीलिंग की ज़रूरत है डेफिनेटली, आपको या आपके पर्सन को। हस्बैंड वाइफ मटेरियल, तो ये आपको एक लाइफ पार्टनर के तौर पे देखते हैं, लाइक हस्बैंड वाइफ मटेरियल की तरह देखते हैं। और रिच फैमिली, डेफिनेटली अगर आप इनसे डील कर रहे हो, तो ये रिच फैमिली से बिलोंग करते होंगे मे बी, ओके।
सो ये थी रीडिंग अक्वेरियंस के लिए. अब हमारे लास्ट साइन यानी कि हमारी क्यूट सी पाइसी साइन की तरफ चलते हैं, जो कि मेरी भी साइन है इसी वजह से मैंने क्यूट बोला. देखते हैं पाइसीस के लिए आपके पार्टनर क्या सोच रहे हैं करेंटली, व्हाट द पर्सन इज करेंटली फीलिंग. थ्री ऑफ स्वॉर्ड्स, ओ माय गॉड, आपके पर्सन को कितना हर्ट फील हो रहा है. यू माइट बी डीलिंग विद एन एयर साइन, जेमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस. अर्थ साइन, सिक्स ऑफ पेंटिकल्स, टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न. द स्टार होपफुल है काफ़ी ज़्यादा. देखिए जहाँ तक कि मैं देख पा रही हूँ आपके पर्सन होपफुल है रिलेशनशिप को लेकर, लेकिन कोई चीज़ आपने शायद कर दी थी पास में जो इनको काफ़ी ज़्यादा परेशानी दी, इस चीज़ ने काफ़ी हर्ट किया, या ये कुछ चाहते थे और आपने कुछ ही कर दिया. तो ये पर्सन ना चीज़ों को बैलेंस आउट करना चाहते हैं, क्लियर करना चाहते हैं, अपने डाउट्स क्लियर करना चाहते हैं और फिर से चीज़ों को अलाइन करना चाहते हैं, बैलेंस करना चाहते हैं. जहाँ पर मैं देख रही हूँ होपफुल काफ़ी ज़्यादा है, पॉजिटिव ही सोच रहे हैं रिलेशनशिप को लेकर, काफ़ी होपफुल है विद द स्टार कार्ड ऑल्सो एंड विद द सिक्स ऑफ पेंटिकल्स. ये वर्क करना चाहते हैं, चीज़ों को ठीक करना चाहते हैं, बैलेंस आउट करना चाहते हैं. और जो ये हर्ट है, क्योंकि ये रिवर्स में आया था बट मैं रिवर्सल्स नहीं पढ़ रही हूँ, तो मुझे लग रहा है कि ये पर्सन ना धीरे धीरे कहीं ना कहीं हर्ट से निकल रहे हैं, हील हो रहे हैं धीरे धीरे. यू आर डीलिंग विद कैप्रिकॉर्न, टॉरस, वर्गो या फिर जेमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस. ओके, बट ये पर्सन काफ़ी ज़्यादा हील हो रहे हैं, अपना हर्ट अपना पेन भूल के दे आर वांटिंग एंड विलिंग टू वर्क ऑन दिस रिलेशनशिप. पाइशियंस, आपके लिए ये थी रीडिंग. देखते हैं हैंड रिटन मैसेजेस क्या है. काफ़ी लंबी हो गई वीडियो, मुझे लगा था 20 मिनट में ख़त्म कर देंगे किस्सा, लेकिन नहीं हुआ ऐसा. देखते पाइसियंस के लिए क्या मैसेज है हमारे पास. एक एक्स्ट्रा निकाल देते हैं पाइसियंस के लिए, नॉट बिकॉज ये मेरी साइन है बट फेवरेट है मेरी. फर्स्ट मैसेज है शेयरिंग. तो आपको या आपके पार्टनर कुछ शेयर करना चाहते हैं, कुछ बताना चाहते हैं, काफ़ी टाइम से दिल में दबा के रखे सारी चीज़ें पीसफुल. तो शायद हो सकता है ये पर्सन आपके साथ पीसफुल फील करते हो, काम फील करते हो. मैनिफेस्टेशन, तो आप या ये पर्सन डेफिनेटली मैनिफेस्टेशन कर रहे हो, जो वर्क भी कर रही है. एंड गिफ्ट्स, तो ये पर्सन इनका हो सकता है इनको आपको कुछ गिफ्ट करना है, आपको मनाने के लिए गिफ्ट्स भेज सकते हैं, सरप्राइजेस दे सकते हैं. सो दिस वॉज इट. 12 टोटल 12 जोडियक्स के लिए हमने देख ली है रीडिंग. ओके, सो करंट फीलिंग्स थे ये. तो अगर आपको ये रीडिंग पसंद आई है प्लीज़ लाइक, कमेंट, शेयर ज़रूर करना. आपको ऐसी और रीडिंग्स चाहिए होंगी करंट फीलिंग्स की तो प्लीज़ बताना. और इसमें से कोई भी चीज़ आपको ख़रीदनी है और ये भी, तो नीचे लिंक है, जाके आप लोग देख सकते हैं.